फोटो कटिंग इन फोटोशॉप 7.0। तो देखिए फोटोशॉप 7.0 के अंदर फ़ोटो कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए बहुत तरीके से लोग फ़ोटो कटिंग करते हैं, तो आज मैं आपको प्रोफेशनल जो टूल यूज़ किया जाता है, जो प्रोफेशनल लेवल पे जो फ़ोटो कटिंग किया जाता है किस टूल से किया जाता है, वो है आपका ये है पेन टूल। इसके द्वारा फ़ोटो कटिंग किया जाता है प्रोफेशनल ढंग से, इसे इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो फ़ोटो कटिंग यहाँ पे भी कुछ टूल है इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल से भी किया जा सकता है। लेकिन मैं चूँकि आज बताऊँगा आपको पेन टूल से फ़ोटो कटिंग कैसे करते हैं। अब जैसे चूँकि देखिए मेरा फ़ोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले से मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर ला के रखा हुआ है। अब इस फ़ोटो का मुझे कटिंग करना है, फ़ोटो को काटना है। तो जब भी हम लोग फ़ोटो यहाँ पर लेकर आते हैं तो देखिए होता क्या है, अलग से एक विंडो में इस तरह से ओपन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो आपको दिख रहा है। अब फ़ोटो कटिंग करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको करना बहुत आवश्यक है। पहला तो ये कि जिस लेयर पे आपका फ़ोटो है देखिएगा उस लेयर का देखिएगा लॉक किया हुआ रहता है, जो यहाँ पर देखिए लॉक का आइकन दिखा है, इसको पहले अनलॉक करेंगे। तो इसको अनलॉक करने का सिंपल तरीका ये है, यहाँ पर आपको लेयर का पैलेट में यहाँ पर माउस पॉइंटर रखना है, माउस का दो बार लेफ्ट क्लिक आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं दो बार लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, न्यू लेयर का इस तरह का ऑप्शन आता है, फिर ओके पे आपको क्लिक करना होता है। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए लॉक हट जाएगा। अब ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड का जो यहाँ पे था लॉक का आइकन वो हट गया, ये अनलॉक हो चुका है। अब हमें इस फ़ोटो को क्या करना है, कटिंग करना है। तो यहाँ पर कटिंग करने से पहले अब यहाँ पर देखिएगा विंडो में देखिए तीन बटन दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए जूम का यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज जो बटन है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब फ़ोटो को हमें जब भी जो भी फ़ोटो को कटिंग करना है पहले इसको जूम करते हैं, फ़ोटो को जूम करके कटिंग करने से बेहतरीन ढंग से आप फ़ोटो को कटिंग किया जा सकता है। तो फ़ोटो को जूम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कीबोर्ड का तस्वीर ला के रखा हूँ। तो जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा तो जूम होगा, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। तो सिलेक्शन के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हैंड टूल भी आ जाए फ़ोटो को जब जूम करते हैं फ़ोटो को ऊपर नीचे मूव करने के लिए, आप इस शॉर्टकट एज भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको जूम करना है तो कंट्रोल के साथ मैं प्लस दबाऊँगा, देखिए इस तरह से फ़ोटो आप जूम कर सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ अगर मैं माइनस दबाता हूँ तो देखिए फ़ोटो यहाँ पर जूम आउट होता है, ये देखिए फ़ोटो जूम आउट हो गया मेरा। फिर से देखिए कंट्रोल के साथ प्लस किया, ये जूम हो गया। अब फ़ोटो को मुझे ऊपर नीचे मूव कराना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड टूल है, तो यहाँ पे शॉर्टकट एच बता रहा है, अदरवाइज़ कीबोर्ड से जैसे ही आप स्पेस बार दबाइएगा हैंड टूल आ जाएगा, उसके बाद फ़ोटो को आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ आप फ़ोटो को ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। तो स्पेस बार दबाने से भी आता है, और उसके छोड़ दीजिएगा तो ये देखिए हैंड टूल चला जाएगा, ये हो गया, ये समझ में आ चुका है। तो जब भी आप कटिंग करें फ़ोटो को जूम कर लीजिए। अब चलिए फ़ोटो को कटिंग करेंगे हम लोग, तो जूम तो कर लिया हम लोगों ने, आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ये जो जूम टूल है इस पर भी क्लिक कीजिएगा। इसका यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन जूम टूल का दिखाई दे रहा है, फिट ऑन स्क्रीन करेंगे कुछ फ़ोटो ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल पिक्सल करेंगे तो बड़ा दिखाई देता है। तो आप हमेशा बड़ा करके ही जूम करके ही आप काम करें, सिलेक्शन फ़ोटो को सिलेक्ट करें। अब जैसे मैंने जूम कर लिया है यहाँ पर, अब इस पर या स्पेस बार आप दबाइएगा तो इस तरह से आप हैंड टूल आएगा एकदम ठीक फ़ोटो के निचले हिस्से चले जाते हैं, ये चला गया मैं यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे फ़ोटो के एकदम ठीक इसको सिलेक्शन करना है अच्छी तरह से। तो सिलेक्शन करने के लिए पहले हम काटने के लिए यहाँ पे पेन टूल यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे मूव टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ मुझे क्या हो कि पेन टूल एक्टिवेट हो जाए, मुझे यहाँ आना ना पड़े। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है लेटर पी दबाने से, जैसे यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में तस्वीर आपको दिख रहा है, लेटर पी दबा दीजिएगा तो क्या होगा, पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए अभी मूव टूल है, अब मैं लेटर पी दबाता हूँ, देखिए मैंने दबाया तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरा माउस पॉइंटर भी पेन के रूप में देखिए तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे देखिए पेन टूल एक्टिवेट हो गया। हो गया, हो जाने के बाद पेन टूल में कुछ यहाँ पे और भी पेन टूल के साथ साथ कुछ इसके एडिशनल यहाँ पे पेन टूल्स के टूल भी दिए हुए, ये सभी मैं आपको बताऊँगा साथ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने से पहले पेन टूल का यूज़ करने से पहले देखिए कुछ गलतियाँ क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पे पेन टूल का कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जस्ट पेन टूल पे क्लिक किए और काम करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ से मैं इसको कट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इस तरह से ब्लैक ब्लैक इस तरह का शेप बन जाता है।
तो ये गलती होता है, फिर समझ नहीं आता है कि भाई गलती कहाँ पे हो गया, काम नहीं हो रहा, फ़ोटो सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका गलती इसको सुधारेंगे कैसे, क्या करना होगा जिससे कि यहाँ पे देखिए जो कलर रहेगा यहाँ पे इस तरह से सेप बन जाता है, फिर कटिंग नहीं हो पाता है। तो वो भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले की अवस्था में हम लोग आ जाते हैं, हो गया। अब मुझे क्या करना है, पेन टूल से कटिंग करना है, फोटो को कटिंग करना है। तो पेन टूल पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, देखिए एक ये वाला है शेप लेयर और दूसरा है पाथ वाला। तो हमेशा जब भी आप फोटो को कटिंग करना चाहें तो ये वाला जो है ऑप्शन आपको ऑन करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑन हो गया, देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे कलर आपको शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पाथ वाला पे क्लिक कर रहा हूँ ये वाला पे पेन टूल के बाद यहाँ से, तो देखिए वो ऑप्शन यहाँ से चला गया, हो गया। इसको ऑन रखें, बस हो गया। अब इसको देखिए मैं कटिंग करूँगा, अब सिलेक्ट करता हूँ ठीक निचले हिस्से से, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, एक क्लिक किया, फिर यहाँ पे जाते हैं इस पॉइंट में। अब देखिए इस तरह से एक हैंडल आ रहा, ध्यान दीजिएगा, देखिए हैंडल आ रहा है। ये हैंडल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह जो शेप है इस तरह से हम इसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि भैया ऐसे करके आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए इसको और अच्छी तरह से इस तरह से सिलेक्ट कर देना है, कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हैंडल आया हुआ है, इस हैंडल ये डायरेक्शन पता चल रहा है कि भैया हैंडल किधर जाएगा, ये अब जब सिलेक्शन करूँगा तो हो सकता है ये सिलेक्शन इधर चल जाए, ठीक से ना हो। तो इस हैंडल को कैसे हटाते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे ऑल्ट पे क्लिक कर दीजिए, हैंडल चला गया, फिर इस पॉइंट पे आया, मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से ड्रैग कीजिए, देखिए ठीक इसके बाहरी किनारे में फ़ोटो को इस तरह से आपको ड्रैग करके सिलेक्ट करना होगा। अब हैंडल इधर आ गया, हैंडल को भैया हम मुझे इस डायरेक्शन में यहाँ पे देना है, तो क्या करेंगे इसको, क्योंकि कॉर्नर में बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप फोटो को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हैंडल यहाँ तक चला गया, हैंडल को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल्ट दबा के एक बार क्लिक कर दीजिए, ये मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। फिर यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पे, इस पॉइंट पे एकदम ठीक कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए ठीक हो गया। फिर यहाँ से फिर एक बार मैं क्लिक किया, ये देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी होता होगा, देखिए उसे गलती से मेरा यहाँ पे चला गया, ये जैसे जो मेरा यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, तब क्या करेंगे भाई, ये तो गलती हो गया, ये जो एंकर पॉइंट सब है ये इधर चला गया, तो इसको हटाएंगे कैसे, वो भी चलिए मैं दिखाता हूँ। तो जब ऐसा गलती हो आपसे तो यहाँ पे पेन टूल में जाइएगा, यहाँ पे देखिए डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक इस पॉइंट पर लाएगा, माइनस का साइन आएगा आपको, इसको क्लिक कर देना है, इसको भी यहाँ से क्लिक कर देना, हट गया। अब फिर से मुझे इसको सिलेक्शन कंटिन्यू करना है, तो इस टूल को ऑन नहीं रख के यहाँ से पेन टूल पे आ जाइए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसके साथ ये फिर से जुड़ गया, देख लिया। अब ये हैंडल है, इसको मैं ऑल्ट करके यहाँ से इसको, ये देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे करके मूव कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये मतलब डायरेक्शन को बता रहा हूँ कि भैया यहाँ से मेरा सिलेक्शन इधर जाएगा, यहाँ तक तो हो गया। अब ऊपर का भी सिलेक्शन करना है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हैंड, या तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा हैंड टूल पे, अदरवाइज स्पेस बार दबाइएगा, तो आप देखिएगा माउस पॉइंटर आपका हैंड टूल की तरह चेंज हो गया, देख सकते हैं इस तरह से नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, हो गया। करने के बाद फिर से पेन टूल, जैसे ये हैंड टूल है देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये पेन टूल एक्टिवेट हो गया, फिर यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर देते हैं भैया, ये देखिए इस तरह से आपको डायरेक्शन दे देना होगा कि हाँ भैया यहाँ यहाँ, आप छोटे छोटे नहीं समझ में आए तो छोटे जो सिलेक्शन कर दीजिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ये एंकर पॉइंट यहाँ आ गया गलती से, अब इस एंकर पॉइंट को भैया मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ मूव कराना है एंकर पॉइंट को, तो कैसे मूव कराएंगे ये एंकर पॉइंट को, तो यहाँ पे क्या कीजिए, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल की और उसके बाद इसको उठाकर ऐसे आप मूव करा सकते हैं। देखिए मैं इसको इधर उधर लेफ्ट राइट ले जा पा रहा हूँ, तो कंट्रोल की दबा के आपको इसको ऐसे करके ले जा सकते हैं, ये देखिए मैं ले जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको ठीक यहाँ से मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, फिर से स्पेस बार दबाया, हैंड टूल आया थोड़ा सा नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से आपको सिलेक्शन करना होगा, ये देखिए यहाँ पे अलग है, ये देखिए हो गया। अब ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, अब इस एंकर पॉइंट पे ऑल्ट की दबाइए, ये आपका हैंडल हट गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया। अब यहाँ से कर्व है देखिए, अब स्पेस बार दबाएंगे, ये देखिए अब यहाँ से मेरा इस तरह से कर्व बना हुआ, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह से आपको कर्व कर लेना, ये देखिए ये मैं कर्व करना है, ये हैंडल हटाना है तो ऑल्ट की दबाया, ये मैं ऑल्ट की दबाया हट गया, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए फिर यहाँ से इस पर क्लिक करें, एकदम जैसे बारीकी से आस्ते आस्ते कीजिए, हड़बड़ का कोई बात नहीं, जैसे गलती हो गया मान लेते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल की इसको हल्का सा इधर से आप इसको ऐसे करके मूव करा के इधर से गाल पे इधर लगा सकते हैं, हो गया। फिर स्पेस बार दबाइए, ये देखिए आ गया,
फिर आप यहाँ से फिर से पेन टूल है यहाँ पे क्लिक करते जाइए इस तरह से, बस इस तरह से काम आपको सिलेक्शन करना होगा। ये देखिए फिर यहाँ पे इस ऑल्ट की दबाया, हैंडल चला गया। अब यहाँ से मुझे यहाँ से लाना है, ये देखिए मैं ऐसे सिंपल सा यहाँ से बारीकी से आपको काम करना है, इस तरह से आपको सिलेक्ट करते जाना है। थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर पाए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा था वो हो सकता है आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह से बस आपको सिलेक्शन कर लेना है, ऑल्ट की दबाना है, हैंडल को हटा देना है, यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अब कर्व इस तरह से बना लेना है, हो गया। हैंडल इधर जा रहा है, आप चाहें तो हैंडल को भी इधर से इधर मूव करा सकते हैं। ये देखिए ऑल्ट की दबाइए, देखिए हैंडल मेरा यहाँ तक आ रहा है। हैंडल को भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि हाँ भैया ये देखिए ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ गलती हो गया, इस पॉइंट में चला गया। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक के लिए डिलीट एंकर पॉइंट। अब ठीक यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो इस तरह से भी गलती होगा तो इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं, ये यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप जो प्रॉब्लम आए आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकें, काम भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से कर्व है तो डायरेक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ऑल्ट की दबाया, ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट हैंडल चला गया। अब यहाँ से ऐसे ठीक है, फिर यहाँ से तो घुमाना है, यहाँ से इसमें क्लिक कर देते हैं। ये देखिए इस तरह जैसे यहाँ से गलती हो जाता है, ये देखिए इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से स्ट्रेट है, बस यहाँ से क्लिक, देखिए गलती हो गया। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल दबाया, इसको यहाँ से ठीक यहाँ से छोटा पॉइंट कर देते हैं, यहाँ से गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है, अब फिर यहाँ पे लेकर आते हैं, ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये देखिए फिर छोटा कर लेते हैं कंट्रोल के साथ माइनस, कभी प्रॉब्लम है तो इसे छोटा कर लीजिए, कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना कोशिश करूँगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं जिससे आपको समझ में आए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ, नीचे आता हूँ, ये देखिए मेरा गलती क्या हो गया। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको गलती को सुधारेंगे कैसे। अब देखिए ये जो यहाँ से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा, देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इसको हटाना है भैया यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए बढ़िया तरह से ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको यहाँ से ये एंकर पॉइंट को मुझे डिलीट करना है, यहाँ डिलीट में गया, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये हटा दिया। अब देखिए यहाँ से एकदम ठीक यहाँ पे पेज के इधर से, तो यहाँ पे इसको मूव कराना है, तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल की के साथ इसको हल्का सा देखिए मूव करा दे रहा हूँ। ये देखिए ठीक फोटो के एकदम साइड साइड में जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आके एकदम ख़त्म हो रहा हो गया। अब ठीक यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे का पोर्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए मैं पेन टूल यहाँ पे जैसे ही ला रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे पेन टूल पे लाया, पेन टूल को ऑन कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है, इस जगह पे देखिए इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ठीक यहाँ से जब जैसे मिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं जूम करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बार दबाया, ये देखिए जैसे मैं इस कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर जैसे ही देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है ध्यान से देखिए, यहाँ से जिस जगह से बिगनिंग किया था जैसे ही मैं यहाँ पे ला रहा हूँ एक सर्कल बन रहा, देखिए इसका मतलब हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको मिलाना होगा। ये देखिए मिल गया, हो गया। हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल के साथ माइनस करता हूँ, जूम आउट किया, अब ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से मैं अगर इसको राइट क्लिक करता हूँ, एक ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन, यहाँ देखिए मेक सिलेक्शन बोल के ऑप्शन आ रहा, मतलब सिलेक्शन ठीक हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फेदर रेडियस, फेदर रेडियस कहने का मतलब जो हम लोग जो सिलेक्शन किए हैं उसका रेडियस जो फेदर नुमा जो होता है, जैसे धुंधला टाइप का हल्का सा आपको दिखाई देगा जब कटिंग करके मिक्स करते हैं हम लोग फोटो को, तो फेदर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फेदर रेडियस 1 रखा है, न्यू सिलेक्शन, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं हो रहा है। अब ये सिलेक्शन हो गया, अब एडिट में जाते हैं, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कट कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसको कट कर देता हूँ, जैसे मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ कट गया, अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अपने पेज में आते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, किस पेज में आपको वो कटिंग को लगाना है, यूज़ करना है, अलग से मान लेते हैं इसको PNG में रखना है, तो यहाँ पर आप चले जाइए। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये आपको ये 810 का साइज ले लिया है, अब यहाँ पे मोड RGB रखा है, रेजोल्यूशन 300। अब इसको जैसे PNG बनाना है तो ट्रांसपेरेंट में क्लिक किया मैंने, ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये पेज आ गया। अब एडिट में जाइए, यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं, देख सकते हैं फोटो आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग करके कितना खूबसूरत से मैंने यहाँ पर देखिए इसको कटिंग करके यहाँ पर ला चुका हूँ, देख सकते हैं।
ये देखिए हो गया। अब मान लेते हैं अब आप चाहते हैं ये, तो अब इसको चाहे तो हम लोग PNG में सेव कर सकते हैं। फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए सेव एज, सेव एज में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे किस फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे मैं सेव करना है, यहाँ पे हम लोग PNG दे देते हैं। ये देखिए PNG दे दिया नाम, अब इसको सेव कर देते हैं। ओके, ये देखिए ये PNG फॉर्मेट में देखिए सेव हो रहा है, मतलब बिना बैकग्राउंड का मैंने फ़ोटो कटिंग करके बना लिया, इसको रख लिया, जैसे दोबारा मुझे यूज़ करना होगा। अब थोड़ा देखते हैं कि भैया बना है कि नहीं, चलिए देखते हैं। न्यू में जाते हैं, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ओपन में गया, डेस्कटॉप पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई बना है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ईजी लगता है लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग देखेंगे भी कि हाँ फोटो हम लोग का बना। देखिए यहाँ पे अनटाइटल देखिए PNG में दिख रहा है, PNG फॉर्मेट, इसको ओपन कर दे। देखिए यहाँ पे फोटो आ चुका है, देखिए PNG फॉर्मेट में। उसके बाद आप कहीं पे भी यूज़ कीजिए, जैसे नया ले लेते हैं, अब नया पेज में अगर मान लेते हैं PNG नहीं चाहिए, चाहे जो भी चाहिए आपको, यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर PNG हटा देते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं करके वाइट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए बैकग्राउंड आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहें तो इस तरह ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं। देखिए वाइट बैकग्राउंड पे आ गया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैक है, जो भी रहे, जैसे नॉर्मली जैसे यहाँ पे ब्लू इस टाइप का, ठीक है। मैं क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए फिल कर देते, देख सकते हैं कितना सुंदर से, देख सकते हैं फ़ोटो कटिंग हो चुका है। देखिए ईजी तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, कितना बारीकी से देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको कटिंग हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए आप ये देखिए कितना बारीकी से, देखिए सुंदर ढंग से, देखिए यहाँ पे पेन से, देखिए यहाँ पे इसका कटिंग हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग पेन टूल का यूज़ करते हैं, और जो 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 मैंने प्रॉब्लम आपको बताया कि फ़ोटो कटिंग के समय पेन टूल का यूज़ करके जो जो प्रॉब्लम आता है, उन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। ऑल्ट और कंट्रोल, ये दो की ज़्यादा यूज़ होता है पेन टूल के साथ, जब हम लोग कटिंग करते हैं उसको कैसे इधर से उधर मूव, सब कुछ मैंने बताया। कहीं पर भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट अवश्य कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।